तो और गेमर भाई लोग क्या हाल चाल आप लोगों के। तो ये है Vivo V30 Pro और इसके अंदर ना Dimensity 8200 प्रोसेसर आता है। तो आज वही अपना मस्त में तगड़ा BGMI किस तरीके से चलता है सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे, FPS मीटर के साथ में कितना अच्छा परफॉर्म करता है नहीं करता है वो बात करेंगे। और है ना मैंने क्या किया है इस फोन पर है ना 30 मिनट्स के हम लोग नॉर्मल गेमिंग करेंगे और अगला 30 मिनट्स है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग करेंगे। तो लाइक ओवरऑल दोनों चीजों का एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी दिखा दिया करो, तो वो भी यहाँ पर आज एड ऑन किया मैंने। तो सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग्स देख लो, स्मूथ पर 60 FPS करके देता है, 90 FPS आएगा भी तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 में ही बेस्ट परफॉर्मेंस ये निकाल के देगा। तो अभी अगर स्टार्ट है बैटरी भी देखोगे ना फोन में 45% पर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके गेमिंग यहाँ पर करी है। तो अभी यहाँ पर तो कैसा है कि देखो अगर मैं आपको ना पूरा गेम प्ले आप लोग देखना और गेम प्ले में FPS की जजमेंट वगैरह जो भी आप लोग खुद देखते रहना कि कहां पर ऊपर हुआ नीचे हुआ और किन सिनेरियो में कैसे कैसे ये FPS दे रहा था उस हिसाब से आप चीजें लेके जा सकते हो, अपने हिसाब से खुद ही विनर बना सकते हो, खुद ही क्या रखना है वो सारी चीजें बता सकते हो। तो ओवरऑल TDM पे इतना बता दूंगा। तो ये फोन है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके ना अच्छी तरीके से गेमिंग करवा रहा है, वहां पर मुझे आराम से 57, 58, 59 ऐसे FPS दे रहा था ये TDM के अंदर और बाकी आप लोग के सामने FPS पूरा डेटा है। वैसे देखो आगे मैं आपको इरेंगल का भी गेम प्ले दिखाऊंगा तो आप वहां पर है ना पूरा FPS देख लेना। वैसे मैंने इस फोन का डिटेल रिव्यू कर दिया है कंपैरिजन टाइप में, तो चाहिए तो आप वो टेकी पाठशाला पर जाके ना वो वीडियो देख लेना और बाकी अगर इस फोन से और कोई रिक्वायरमेंट है गेमिंग को लेकर तो वो भी बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी इरेंगल चालू हो चुका है, FPS मीटर आपके सामने, आप लोग खुद जजमेंट लो कि कहां पर इसने किस तरीके से FPS ड्रॉप करे या नहीं करे। तो नाउ है ना अभी 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैंने क्या किया इसकी जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है ना उसको मैंने ऑन कर दिया, सेटिंग्स वगैरह आपके सामने है और जैसे हमने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया अगले हाफ एन आवर हम लोग इस तरीके से पूरी गेमिंग करने वाले हैं। Watch out!
तो देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर FPS है ना 3-4 FPS ऊपर नीचे हो रहे थे, कम देखने मिल रहे थे। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके खेल रहे थे उसमें जो डिफरेंस है 3-4 FPS का मुझे देखने मिला। अभी सबसे पहली बात, जो स्टार्ट में बैटरी थी 45% की थी और हाफ एन आवर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ और हाफ एन आवर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो गेमिंग करी है स्मूथ पर 60 में, तो इसने जो बैटरी लेकर आया वो 23% पर है और ओवरऑल जो ड्रॉप हुआ ना वो 22% का है। सो बैटरी ड्रॉप तो मेरे हिसाब से एक बार मैं कहूंगा सही तरीके से आ रहा है। बाकी आप लोग के हिसाब से ये 60 में कैसा परफॉर्म किया है Vivo V30 Pro वो मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना। वैसे ये फोन है ना ज्यादातर कैमरास के लिए ज्यादा प्रायोरिटी लेकर आएगा क्योंकि ज़ायस के लेंस इसके अंदर मिल रहे हैं। सो ये फोन उस हिसाब से आप जजमेंट करना। बाकी और कोई थॉट्स होंगे, कुछ और चीजें रहेंगी कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। और वैसे इस वीडियो में जो स्टार्ट के 1 घंटे में जो कमेंट्स आएंगे उनको हार्ट दूंगा, उनको रिप्लाईज भी दूंगा, तो फटाफट कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।